हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इनसाइड माइक्रोवेटर के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप सोच रहे होंगे टर्निंग चैप्टर में इनसाइड माइक्रोमीटर का क्वेश्चन आंसर कैसे आ गया। ऐसा बात नहीं है, ये भी उसी का ही पार्ट है। ये बेसिक फिटिंग में ही आता है और ये टर्निंग चैप्टर में इंक्लूडेड है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें भी है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये टर्निंग चैप्टर का एक्सरसाइज 8 है। फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, और एक बात, वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। वीडियो को आप स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 1456। एन इनसाइड माइक्रोमीटर इज यूज टू। इनसाइड माइक्रोमीटर डेस्क के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मेजर द होल्स, ऑप्शन बी चेकिंग द होल्स, ऑप्शन सी स्क्राइबिंग सर्कल, ऑप्शन डी चेकिंग द डेप्थ। इनसाइड माइक्रोमीटर कहाँ पर यूज होता है? ये होल्स को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, ना कि चेक करने के लिए। यानी आंसर इज ऑप्शन ए मेजर द होल्स। क्वेश्चन नंबर 1457। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द जीरो सेटिंग ऑफ इनसाइड माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर के अंदर जीरो सेटिंग की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन बी आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी कैलिपर, ऑप्शन डी प्लंगर। माइक्रोमीटर का जो जीरो सेटिंग करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होते हैं? आंसर इज ऑप्शन बी आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1458। एन इनसाइड माइक्रोमीटर इज यूज टू। इनसाइड माइक्रोमीटर डेस्क के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चेकिंग द होल्स, ऑप्शन बी मेजर द इंटरनल पैरेलल सरफेस लाइक स्लॉट्स, ऑप्शन सी स्क्राइबिंग सर्कल, ऑप्शन डी चेकिंग द डेप्थ। इनसाइड माइक्रोमीटर कहाँ पर यूज होते हैं? ये इंटरनल पैरेलल सरफेस लाइक स्लॉट्स को मापने के लिए यूज होते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1459। एक्यूरेसी ऑफ एन इनसाइड माइक्रोमीटर इज। इनसाइड माइक्रोमीटर की सटीकता है। ऑप्शन ए 0.02 mm, ऑप्शन बी 0.01 mm, ऑप्शन सी 0.1 mm, ऑप्शन डी 1.2 mm। इनसाइड माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट क्या है, ये भी कह सकते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी 0.01 mm, इनसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। क्वेश्चन नंबर 1460। विच पार्ट इज एडेड टू द एक्सटेंशन रॉड फॉर एडिशनल लेंथ मेजरमेंट? अतिरिक्त लंबाई माप के लिए विस्तार रॉड में कौन सा हिस्सा जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोमीटर हेड, ऑप्शन बी लॉकिंग स्क्रू, ऑप्शन सी स्पेसिंग कॉलर, ऑप्शन डी हैंडल। एक्सटेंशन रॉड को और एडिशनल लेंथ देने के लिए क्या यूज होते हैं? यानी आंसर इज स्पेसिंग कॉलर, ऑप्शन सी। आंसर इज ऑप्शन सी स्पेसिंग कॉलर। क्वेश्चन नंबर 1461। Which of the following parts of the inside micrometer is used to lock the extension rod? Extension rod को lock करने के लिए कौन सा part use होते हैं? Inside micrometer के निम्नलिखित भागों में से कौन सा विस्तार rod को lock करने के लिए उपयोग किया जाता है? Option A micrometer head, Option B locking screw, Option C spacing collar, ऑप्शन डी हैंडल।
ये बहुत सीधी से क्वेश्चन है। आंसर इज ऑप्शन बी, लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू से ही अब एक्सटेंशन रॉड को लॉक किया जाता है ताकि वो फिसले ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को आप फॉरवर्ड मत कीजिए, पूरा देखिए वीडियो को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू।